हाय गाइस, वेलकम और स्वागत है आप सभी का ट्यूब भगर हाट चैनल में। गाइस फिलहाल तो एक काम का साइड पे आ गए हैं और हमने जो है कि काम का साइड पे आकर फिलहाल काम शुरू कर दिया। तो गाइस चलिए आपको जो है कि नज़ारा दिखाते हैं हमने फिलहाल कौन से काम करना शुरू कर दिया है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हमारा हेड मास्टर जो है कि खिड़की का जो पाला है इस पर कब्जा लगाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर काफ़ी सारा जो है कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने बिखर कर रख दिया ताकि सभी पर हमने कब्जा लगा दिया है। और ये जो कब्जा है ये 3 इंच में है और हमने इस पर एक पीस को जो कि खोल कर रख दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ पर है जो कि चौखट पे निशान लगाने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने स्क्रू जो है कि प्लस वाला लगा दिया है जो कि इस वाले स्क्रू ड्राइवर से जो है कि काफ़ी आसानी से जो है कि टाइट करना और खोलना होता है। तो अगर चौखट पर अगर थोड़ी सी अप डाउन हो जाए तो उसको एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा हेड मास्टर जो है कि ये 4 इंच का ये जो कब्जा है तो इस पर फिलहाल स्क्रू मारना हो रहा है जो भी ये प्लस वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो है कि 2 पीस वेंटिलेटर का पल्ला को लेकर रख दिया है जो कि इस पर अब बर्निश करने वाले हैं। ये थोड़ी सी हाइट वाला जगह पे लगने वाला है ये 2 पल्ला, तो इसलिए जो है कि हम इस पर पहले ही बर्निश करते हैं। वो तो बर्निश करने के बाद जो है कि धूप पे सूखने के लिए रखते हैं। और इन सब पे देख सकते हैं यहाँ पर हमने शीशा 2 लगा दिया है तो इस पर शीशा फिटिंग करने का काम होने वाला है। और ये देख सकते हैं मोल्डिंग बिट है जो कि शीशा में लगने वाला है। तो ठीक है गाइस, अब जो है कि बढ़ते वीडियो में आगे। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो है कि शीशा जो है कि लेकर रख दिया है कटिंग करके साइज में। तो यहाँ से जो है कि आप 4 पीस लेते हैं। तो ये देख सकते हैं हमने 4 पीस ले लिया है, बट इसको पकड़ना थोड़ी आराम से पकड़ना होता है नहीं तो हाथ काटने का चांस हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो है कि वेंटिलेटर का जो पल्ला है इसको यहाँ पर लेकर रख दिया है। तो इसको जो है पहले कुछ इस तरह से रखते हैं, थोड़ी सी जगह पोंछ लेते हैं कपड़ा से। इसे कितना फिसलन है और जो है कि इसको ये देख सकते हैं इस साइड जो है कि थोड़ी सी चमक है ज़्यादा, तो इस साइड चमक नहीं है। तो ये चमक वाला को जो कि इस तरह से यहाँ पर ऊपर का साइड करके रखना होता है। तो ये भी देख सकते हैं कुछ इसी तरह से है। तो इस साइड देख सकते हैं चमक काफ़ी ज़्यादा अच्छा चमक है। तो इसको भी यहाँ इस तरह से जो कि जगह जगह में रख देते हैं। तो देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरह से हमने जो है कि शीशा को जो है कि बिठा दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक जुगाड़ बनाया है जो कि बिट कटिंग करने में जो है कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जो कि ये देख सकते हैं इसको सीधा कटिंग करना नहीं होता है। यहाँ पर जैसे कि इसको तिरछा कटिंग करना होता है तो इस तरह से बिठा कर जो है कि इसको तिरछा कटिंग करना होता है। तो आप इस साइड से कटिंग करने वाले हैं तो आरे से जो है कि थोड़ी समय लग जाता है, जहाँ पर आप निशान लगाते हैं वहाँ पर नहीं हो पाता कटिंग। तो इसके लिए हमने जो कि ये वाला जुगाड़ बनाया है, ये जुगाड़ स्क्वायर शेप में बनाया है हमने। इस साइड से यार यहाँ तक का जो है कि स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर, इसका जितना चौड़ाई है इस साइड भी हमने उतना ही कर दिया। उसके बाद जो है कि हमने दोनों साइड से कटिंग कर दिया है, तो एक दफ़े इस साइड से एक दफ़े इस साइड से कटिंग करने के लिए। तो कुछ इस तरह से है। तो चलिए अब जो है कि थोड़ी सी आपको नज़ारा दिखाते हैं। गाइस यहाँ पर जो है कि कुछ इस तरह से हमने रख दिया नीचे, और यहाँ पर हम जो कि मेरा कटिंग करके जो है कि शीशा लगाने के लिए ये रख दिया है पल्ला। और यहाँ पर हमारा हेड मास्टर जो है कि टेबल के ऊपर में जो है कि आराम से जो कि कुछ इस तरह से देख सकते हैं कटिंग करके जो है कि यहाँ पर लग चुका है काफ़ी अच्छा से, बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं करीब से।
गाइस देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से देखिए बीट फिलहाल कटिंग करके रख दिया है, थोड़े से हल्का सा लंबा रख दिया है ताकि मिलाने के लिए। तो इसी तरह से जो है कि गाइस बीट कटिंग कर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर गाइस हमने जो है कि इस पर शीशा लगाने का काम उसको कर दिया फिलहाल कंप्लीट। अब जो है कि इस पर जो गजल है पिन गजल तो उसको अब लगाने का काम है। तो चलिए गाइस थोड़ी सी इस पर जी आपको नज़ारा दिखाते हैं इस तरह से जो है कि गजल मारते हैं। गाइस कुछ इसी तरह से जो है कि गजल माने का काम कर लेते हैं कंप्लीट, देख सकते हैं हमने यहाँ पर गजल मार दी, ये भी मार दिया ये और ये, इसी तरह से जो है इस पर करते हैं कंप्लीट। गाइस शाम का फिलहाल 4 बज चुका है और जो है कि चाय भी आ चुका है और चाय भी पीते हैं। तो देख सकते हैं गाइस ब्लैक टी आया है और जो है कि चाय पीते हैं और साथ में बिस्कुट वगैरह भी है और यहाँ पे हमारा पार्टनर लोग भी है।